दोस्तों हमारे पास जाइलो D2 है, ओल्ड मॉडल 2010, और इसमें जो ECM लगा हुआ है ये वाला 1639, और ये जो हमारा स्कैनर है हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है टीम वेयर के थ्रू अपने कस्टमर के स्कैनर को। इसमें चाबी चेंज हुआ है, इसको कोडिंग करना है तो उसका हम प्रोसेस आपको दिखाएंगे करके, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लोकल डायग्नोसिस में जाएंगे आपको, और यहाँ से आपको ACN में जाना है, यहाँ से महिंद्रा इंडियन पे क्लिक करना है और ओके करना है। और पहले हम आपको जाइलो DT में जाके स्कैन करके और कोई फॉल्ट जो होगा वो भी आपको दिखा देते हैं कि इसमें कुछ फॉल्ट वगैरह जो बता रहा है। तो अभी व्हीकल सिलेक्शन में जाके पैसेंजर व्हीकल, यहाँ से नीचे जाएंगे जाइलो, और ये D2 है, सिस्टम सिलेक्शन, इमोबिलाइजर, यहाँ से रीड फॉल्ट कोड, देखिए अभी नो ट्रबल कोड बता रहा है। और यहाँ पे बैक जाएंगे इसकी कोडिंग करने के लिए, और एक बार EMS में भी फॉल्ट रीड कर लेते हैं, रीड फॉल्ट कोड, तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो हमें चाबी कोडिंग करना है तो इसको वापस से पूरी तरीके से बैक जाना है, और चूंकि ये पुरानी गाड़ी है तो आपको ओल्ड मेन्यू में जाके करना पड़ेगा। फिर वापस से बैक जाते हैं यहाँ पर से पूरी तरीके से बैक। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ओल्ड मेन्यू में जाना है और यहाँ से जाइलो पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको इमोबिलाइजर पे क्लिक करना है। यहाँ से आप स्पेशल फंक्शन में जाएंगे, फिर ओके करेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं की काउंट 0 है, ठीक है। तो अभी की काउंट 0 है तो इसके चाबी कोड नहीं है एक भी, इसमें इसलिए 0 दिखा रहा है। अब कोडिंग करना है तो यहाँ से हम ओके करते हैं, और यहाँ पे ऐड की और डिलीट की का ऑप्शन आ रहा था। अब चाबी कोड जो किया हुआ है तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमें ऐड करना है की, तो यहाँ से ऐड की पे क्लिक करेंगे, बोला इग्निशन ऑन करने के लिए जो चाबी प्रोग्राम करना है उससे इग्निशन ऑन कीजिए। तो हमारा चाबी लगा हुआ है, अब इससे हम इग्निशन ऑन करेंगे, और इसमें जो चाबी लगेगा दोस्तों कुछ इस तरीके का लगेगा, आपको दिखाते हैं। ये जो चाबी है इसका, ये वाली चाबी है, ठीक है, कुछ ऐसा चाबी रहेगा। तो ये हमारा इग्निशन में लग के ऑन है। अब यहाँ से हम उसको ओके करेंगे, तो ये चाबी एक कोडिंग हो गया है। तो इसको कोडिंग होने के बाद क्या करेंगे, ओके करेंगे और दूसरा चाबी लगाएंगे। तो हम चाबी चेंज करवाते हैं इसका, चेंज कीजिए चाबी, आप दूसरी चाबी लग गई है। फिर वापस से ऐड की पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे, ठीक है। अब ये की काउंट 2 हो गई, यानी चाबी दोनों कोड हो गई है, ठीक है। अब यहाँ से ओके करते हैं, दोनों चाबी कोड हो गया है, बैक जाते हैं और क्लियर कोड कर लेते हैं, और यहाँ से यस करते हैं, कोड क्लियर हो गया है। और स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कीजिए, फिर वापस से बैक जाना है यहाँ से, फिर से बैक से बैक। अब यहाँ से व्हीकल सिलेक्शन में जाना है, पैसेंजर व्हीकल्स, नीचे की तरफ जाएंगे, जाइलो D2, सिस्टम सिलेक्शन, इमोबिलाइजर, यहाँ से रीड फॉल्ट कोड करेंगे। देखिए एक ये आया है हिस्ट्री में, EMS इश्यू रिक्वेस्ट टाइम आउट, यहाँ से जाके क्लियर कर देंगे इसको, और यस पे क्लिक करेंगे, ओके हो गया। वापस से फॉल्ट रीड करते हैं, ये नो ट्रबल कोड हो गया, ठीक है। वापस से बैक जाते हैं और एक बार EMS में फॉल्ट रीड कर लेते हैं, रीड फॉल्ट कोड, यहाँ पे हमें कोई ऐसा, ये ऐसी ही नॉर्मल ही है, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई ऐसा इमोलाइजर अगर फॉल्ट नहीं आ रहा, ये भी क्लियर हो गया है। वापस से हम MBFM में देख लेते हैं, MBFM कनेक्ट हो रहा है कि नहीं एक बार, तो MBFM में यहाँ से रीड फॉल्ट कोड देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ फॉल्ट वगैरह दिखा रहा है, एम्बियंट टेम्परेचर सेंसर वगैरह का है, लेफ्ट हैंड वॉल्व फ्यूज है, तो ये सब से कुछ लेना देना नहीं है गाड़ी के स्टार्ट होने से, ठीक है। तो यहाँ से हम बैक जाके इसको भी एक बार क्लियर करके देखते हैं, यस पे क्लिक किए, क्लियर हो गया कोड, वापस से रीड करते हैं,
एक आ रहा है कि एम्बियंट टेम्परेचर सेंसर शॉर्ट टू बैटरी, यानी कि जो आगे फैन के आगे रहता है एक सेंसर, उसका जो वायरिंग साइड शॉर्ट है इसलिए दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप जो गाड़ी होता है जाइलो D2 2010 मॉडल, उसका चाबी कोडिंग कर सकते हैं। इसमें जो ECM होता है दोस्तों 16C39 होता है पुराना वाला, जिसको आपको कोडिंग करने के लिए जो प्रोसेस है वो मैंने दिखा दिया है, आपको ये फॉलो करना होगा। और वापस से एक बार ECM दिखा देते हैं, इसमें ये ECM लगा होता है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब योर चैनल। थैंक यू।